हेलो एंड वेलकम टू फिल्मी बीट। दोस्तों, आपके फेवरेट शो बैरिस्टर बाबू में एक नया ट्विस्ट आने वाला है। मेकर्स ने इस शो को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अब बॉन्दिता को वापस लंदन भेजने का फैसला किया है। जी हाँ, सही सुना आपने। अब आप अगले एपिसोड में देखने वाले हैं कि किस तरह से बैरिस्टर बाबू बॉन्दिता को अपने प्यार का इजहार करने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आएंगे। उनके लिए हर वो कोशिश करेंगे जो पॉसिबल है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेकर्स ने बॉन्दिता के माइंड को पूरी तरह से वॉश ही कर दिया है। वो नहीं चाहते हैं कि अब बॉन्दिता बिल्कुल भी बैरिस्टर बाबू के करीब जाए, तो उन्होंने इस शो को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अब बॉन्दिता को वापस लंदन भेजने का फैसला किया है। तो आप आने वाले एपिसोड में यही देखने वाले हैं कि किस तरह से अब बॉन्दिता बैरिस्टर बाबू को ये बता देती है कि वो अब लंदन जाने वाली है। दोनों की मुलाकात एक ब्रीफकेस की शॉप में होती है, जहाँ पर वो अपने लिए बैग लेने जाती हैं और अनिरुद्ध भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। अनिरुद्ध बॉन्दिता की टिकट देख लेते हैं, जिसमें वो कोलकाता से लंदन जाने के लिए अपनी टिकट करवाती हैं और इस टिकट को देखने के बाद वो बॉन्दिता से पूछते हैं कि ये क्या है। बॉन्दिता कहती हैं कि मैं इस दुश्मनी को छोड़कर अब हमेशा के लिए यहाँ से चली जाना चाहती हूँ। अब मैं अपने परिवार के लिए जीना चाहती हूँ, अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहती हूँ। बैरिस्टर बाबू कहते हैं कि तुम ऐसे नहीं जा सकती, तुमने तो बहुत बड़े सपने देखे थे, अब तुम बैरिस्टर बन चुकी हो तो तुम्हें यहाँ महिलाओं के लिए काम करना है। इस बात का जवाब देते हुए बॉन्दिता कहती है कि सबके सपने पूरे नहीं होते अनिरुद्ध बाबू, मुझे जाना ही होगा। ये सुनते ही अनिरुद्ध को काफ़ी झटका लग जाता है और वो पूरी तरह से कोशिश करता है बॉन्दिता को रोकने की, लेकिन बॉन्दिता आखिरकार लंदन चली ही जाएंगी। फिल्ममेकर सब क्या चाहते हैं ये तो वो ही जाने, लेकिन आने वाले एपिसोड में आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट्स के जरिए बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।